बेटा सुनो, मजे आए बर्थडे में? सब लोग चले गए, बैठ के चिप्स खा रही है गाइस। यहाँ पे सुबह उठते ही ना सबसे पहले नाना की पुच्ची ले ली इसने। नाना की पुच्ची ले ली? इधर देखो, इधर इधर देखो, माय गॉड। अरे नच 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 नहीं, ये कूड़ा मत खाओ खाओ खाओ। भाभी कैसा लगा सबसे मिलकर? बहुत अच्छा। सभी लोग कह रहे थे कि भाई तुम्हारी जेठानी देवरानी की जोड़ी सबसे मस्त है। अच्छे लग रहे थे सारे जन, सब लोग बहुत बढ़िया थे, बहुत बहुत प्यारे थे। आपका बर्थडे हो गया बेटू, बर्थडे खत्म हो गया, लेकिन आप एक साल के हो। सरिता का बेटा बहुत अच्छा लगा। वो तो यार इतना ज्यादा प्यारा है, वो है मेरे को कहता है दादी आप ना खूब खाया करो, मीठे मीठे की चिंता मत करा करो, मैं और मेरे पापा तो खूब खाते मस्त होके करो। मैंने कहा भगवान मेरे को उस टाइम इतना प्यार आया उसका, मेरे लिए वो लेकर आया। जब अनमोल 12 साल का है तो आप कृषा से जब 12 साल, तो 12 साल पहले आपकी शादी हुई होगी। अरे वो जाते बोल के गए कि अनमोल भैया को बोलना, बोल के गए अनमोल भैया को बोलना, बहुत मजा आया। इसको इतना प्यार आ रहा है सुबह से कि मम्मा कहाँ थे आप? लात में मम्मा, सरिता में देखा मामा मामी को कैसे कर रही थी, बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे फैमिली हो उसकी। हाँ नहीं ना बुच्ची तो करूंगी ना यार, प्लीज ना किसी कर दो मम्मी। तू चिप्स खाइए बैठ के, चिप्स की खुशबू आई तेरे में, चिप्स खाइए। तो बाकी सारे लोग आपको इतने सारे मैसेज कमेंट कर रहे हैं, उनको फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो, जो आपको अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। ओले मेरा बेटा, शाबाश। तो ये बातें कर रहे थे बैठ रहे, तीन दिन से तो इसने कुछ खाया पिया नहीं, एकदम इतनी लगी पड़ी थी। हाँ, इतनी लगी पड़ी थी, हम सोच रहे कैसे कर लेती है। मैं रात में नहीं खा पा रही थी क्योंकि मुझे था कि पहले काम हो जाए, सबके पास वीडियो पहुंच जाए उसका। हाँ। उसमें भी ध्यान था। आपको पता है आपको पता है कल से कि अभी तक मतलब कल रात में वीडियो डली थी, फिर अभी 1 बजे डली है, तो सब लोग पूछने लग गए अरे कहाँ हो कहाँ हो, हमें टेंशन हो गई है कोई वीडियो नहीं आ रही है। मम्मी पापा सबका ध्यान बिल्कुल एकदम, ये क्वालिटी तेरे अंदर है, किसी को नहीं तूने छोड़ा, फैमिली मामा मामी मौसा मौसी जितने लोग सबका ध्यान, सब्सक्राइबर्स इंस्टाग्राम के, ये तो सल्यूट है। नहीं नहीं सल्यूट मत करो, नहीं वाक्य में यार जो है क्वालिटी वो है। पता आपको मम्मी मेरा ये पैर सी मतलब लिटरली मुड भी नहीं रहा था कल, ये हाल था रहा। हाँ बेटा हाँ हाँ मैं भी हूँ। हाँ मेरा बेटा जब कृषा बड़ी होगी तो ये सब देखेगी, देखो खड़े होके कर रही है मेरा बच्चा। तो बहुत अच्छा लगता है जब सभी परिवार जो है एक साथ बैठ के बातें करते हैं। हमारे परिवार में एक खास बात जरूर है, अगर हम लोग इकट्ठे होते हैं तो हम लोग कोई भी टाइम ऐसा नहीं छोड़ते हैं कि हम लोग इकट्ठे होकर बात ना करें। यहाँ मम्मी ना बता रही है, मम्मी बहुत खुश होती है जब गांव से फ़ोन आता है और लोग बोलते हैं ना कि हमने आपको देखा हमने आपको देखा, तो मम्मी बड़ी खुश होती है कि ना उन्होंने मुझे उस व्लॉग में देखा। एक दिन तो पापा ने किसी को फोन लगा दिया, आप 5 मिनट तक बात कर लेंगे, उसके बाद पता चला कि रॉन्ग नंबर है। कृषा सो रही थी, एकदम से उठ के बैठ के भाभी की चिपक गई, तो इतना अच्छा लग रहा था दोनों को देख के, तो मैंने फटाफट से वीडियो बना ली और ये कैप्चर कर लिया। अपने बाप पे गई है। तो ये आप बताना चाहेंगे, भाभी आप बताओगी क्या हुआ अभी अभी आनंद भैया के साथ? बच्चा बेहद खुश था, चाचा भी बेहद खुश थे। दोनों डांस कर रहे थे, दोनों डांस, तब तक एक आवाज सी आई।
और उसके बाद डायपर इसका चेंज कर देते हैं, उसके बाद फिर थोड़े देर बाद पहनाते हैं। तब तक चाचा के गोद में थे, चाचा लेकर तब तक चाचा खुद डायपर बन चुके थे। और जैसे ही बच्चा उठाया गाइस पॉटी कर दी थी कृष्णा ने, एंड वी आर पे लग गई है। इसके पिताजी कहाँ है? रील रील देख रहे थे अभी, गया था अपनी रील देख रहे थे। अभी जा तुरंत ले, क्या बोल क्या बोल क्या, हाँ स्क्रॉल कर रहे थे ना, बोल क्या कि चाची को पता लग गया कि आप ऑनलाइन रील देख रहे हो। इतनी देर से क्या कर रहे हो? अपना ये रील देख रहा था मैं, मेरे आज पता नहीं कितना पुराना पुराना सपना रिव्यू एक्सेप्ट किया। आज खोला मेरे 7 रिव्यू पेंडिंग थे मेरे। कितने साल पुराने? बहुत पहले से थे। गोदी ले लो उसको ना मेरे। गाइस मैं कुछ कहना चाहूंगी इसी बात पे। पहली बात तो इससे आप समझिए कि मेरा पति कितना भोला है, कितना प्यारा है और मुझसे कितना प्यार करता है, झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलता। दूसरी बात, मेरा पति इंस्टाग्राम खोलता ही नहीं है अपना, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो एक साल पहले के लोग रिव्यू जो कोलैबोरेशन, हाँ जो भी था जो कोलैबोरेशन करके बैठे थे, इन्होंने अब जाके वो एक्सेप्ट करे। अच्छा बच्चा बना, ये थूक रही हो कि फूक रही हो? आए अरे नहीं नहीं करो, नो नो नो। तो भैया का आज ट्रेन है, वैसे भाभी का भी था किंतु अंकु ने भाभी का ट्रेन कैंसिल करा दिया, बोलिए इसको जिसकी वजह से भैया नाराज है मुझसे, तो जेठ जी नाराज होके जा रहे हैं। क्या जेठ जेठानी के बीच में बढ़ाई दूरियां, देवरानी ने जेठ और जेठ जेठानी के बीच में बढ़ाई दूरियां। भैया कुछ कहना चाहोगे? भाभी क्या ही कर सकते हैं, भाभी के चेहरे का दुख बता रहा है कि भाभी कितनी दुखी है यार रहने से, एक बार दुख दिखाओ। एक बाथरूम में छिपा है, उसकी भी ट्रेन है, उसको भी जाना है, पर वो बाथरूम में बैठा हुआ कि मैं नहीं जाऊंगा। पापा अब से भाभी यही रहेंगी, भैया गांव पे रहेंगे। अब भैया भाभी यहाँ रहेंगी, भैया गांव पे रहेंगे। चलो गाइस तो भैया जा रहे हैं, एक्चुअली भैया को जल्दी निकलना था क्योंकि घर पूरा जो है घर वहाँ पे भी देखना है, और 5 दिन है वहाँ पे पूरा घर देखना है, गाय भी अपनी सब कुछ देखना है, तो भैया को निकलना है। लेकिन भाभी को हमने रोक लिया है क्योंकि भैया नहीं रुक पा रहे थे, तो मैंने भाभी को रोक लिया है। भैया जाएंगे तो गाय पहले दौड़ के मिलेगी गलेगी। तो बस इसलिए तो अभी भैया को गुड बाय कर रहे हैं, लेकिन भाभी हमारे पास है, भाभी हमारे पास है। भाभी बहुत दुखी है, कितना दुखी है इनके अंदर की मैं क्या। तो गाइस बस पापा बेटी जो है एक बार छुट्टी पाले। वाह वाह वाह, ये शॉट तो बहुत बढ़िया था। ठीक है भैया प्रणाम। हाँ पैर छुने भाभी। चलो मिलेंगे बहुत जल्दी भैया, जल्दी मिलेंगे। वो तो भाग ही गया घर से। अनमोल को देखी नहीं ना भैया, अनमोल है का आनंद में, तुम भी जा रहे हो? नहीं तुम आ रहे हो वापस। चलो अनमोल नहीं आया, मम्मी वो कहीं डर के छुपा हुआ है कि मुझे लेके ना जाए साथ में। नहीं वो टॉयलेट में है, नीचे आ गया था। है वो है कहाँ सच में? सो गाइस बड़े भैया जो है वो चले गए हैं, और भाभी अभी यहीं पर है, और भाभी है, आनंद भैया है, अनमोल है, पलक है, सभी लोग अभी यहाँ पे हैं। अभी हम लोग फटाफट से गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर लेंगे और आपको दिखाएंगे किसने क्या क्या कृष्णा को दिया है। हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं, अब आएगा मजा, और गिफ्ट दिखाऊंगा आपको कितने सारे, मतलब हमारा पूरा डाइनिंग टेबल जो है गिफ्ट से भरा पड़ा है। देखो ये देखो यहाँ से लेके पीछे तक नहीं, पूरा वहाँ गिफ्ट से भरा पड़ा। तो आइए करते हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग। मैं खोलूंगी। अनमोल है कहाँ? तो अंदर साथ गया वो पीछे।